अगर रिसेंटली आपकी डिलीवरी हुई है तो आई एम श्योर कि आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि डाइट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ है इसको कैसे घटाना है, एक्सरसाइज कब से शुरू करनी है और क्या एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, पहला पीरियड कब आएगा, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कब तक कराना है, बर्थ कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स लेने हैं, और भी कई सारे सवाल। हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता एंड आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। सो चाइल्ड बर्थ इज़ एन एक्सपीरियंस जो कि हर लेडी के लिए एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। ये एक ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है जो मदर के लिए फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली एक बहुत इन्वॉल्विंग और एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पर सिर्फ जो अभी नवजात शिशु पैदा हुआ है उसका ही नहीं बल्कि माँ का भी विशेष ध्यान रखा जाए, और उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट 6 वीक्स का जो पीरियड होता है वो एक मदर के लिए बहुत क्रूशल पीरियड होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं और ये सब चेंजेस धीरे धीरे करके रिवर्ट करते हैं टू द प्री प्रेगनेंसी स्टेट, और इस प्रोसेस को होने में डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते लगते हैं, और इसीलिए इन 6 हफ्तों में माँ को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पीरियड में लेडी कई यूनिक बातों को एक्सपीरियंस कर सकती है, जैसे कि वो बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही है, उसको काफ़ी लंबे समय तक बैठ के बच्चे को फीड कराना होता है, तो इसके कारण काफ़ी लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं कि उन्हें काफ़ी बैकएक होने लगा है। अदर देन दैट देयर कैन बी अ जनरलाइज्ड टायर्डनेस ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देर इज़ अ वेट गेन दैट हैपन्स, एंड डिलीवरी के बाद हाउ टू शेड ऑफ दैट वेट इज़ अनदर कंसर्न विच द लेडीज़ हैव। इसके अलावा देयर कैन बी सम इरेग्युलर ब्लीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, और एक दूसरा इशू होता है ऑफ स्ट्रेच मार्क्स ओवर द बॉडी, सो हाउ टू डील विद इट, आज इन सभी बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द मदर्स न्यूट्रिशन। अब पहले 6 महीने में ये रिकमेंडेशन है कि माँ केवल अपना ही मिल्क, यानी कि केवल ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को दे। इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा, ब्रेस्ट फीड के अलावा, ऊपर से कोई भी पानी या किसी और किस्म का टॉप मिल्क या टॉप फीड बच्चे को पहले 6 महीने में नहीं देना चाहिए। जब एक लेडी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेडी को करीब 500 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ओवर एंड अबव हर बेसल रिक्वायरमेंट्स, और इसी तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी करीब 25 ग्राम प्रोटीन पर डे एक्स्ट्रा ओवर हर बेसल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट, वो चीज़ें जो प्रोटीन में रिच हैं, जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन खाने की बात करें तो दाल, पनीर, सोया नगेट्स या जो न्यूटेला नगेट्स आते हैं, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप डेली एग वाइट खा सकते हैं या आप चिकन खा सकते हैं, दोज आर ऑल्सो गुड क्वालिटी, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो लंच में और डिनर में 2 चपाती एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूध दिन में एटलीस्ट 500 ml से लेके 1 लीटर तक दूध का कंजम्पशन जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो ज़रूर करना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको सफिशेंट मात्रा में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन। कुछ स्पेशल सब्जियां जैसे पालक है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। इसी प्रकार ब्रोकली है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। जितने भी येलो और ऑरेंज
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स के रिच सोर्सेज होते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर डाइट. डिलीवरी के बाद एक काफ़ी टेंडेंसी रहती है कॉन्स्टिपेशन हो जाने की. उसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी या लिक्विड इंटेक ज़रूर रखें. इट कैन बी वाटर और इट कैन बी अदर लिक्विड्स लाइक नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ विच इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो इस तरह से लिक्विड्स 2.5 से 3 लीटर एक दिन में आपको ज़रूर लेने चाहिए. ऑल्सो वन शुड इंक्लूड फाइबर इन द डाइट, जैसे कि होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, फ्रूट्स अगर खा रहे हैं तो जैसे सेब है तो आप उसको छिलके के साथ खा सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स विल इंक्रीज द फाइबर कंटेंट इन द डाइट एंड ऐसा करने से भी आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड अ बैलेंस्ड डाइट. एट द सेम टाइम देर आर सर्टन टाइप ऑफ थिंग्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए. सो वन शुड अवॉइड ईटिंग फूड जो कि बहुत स्पाइसी है या विच इज़ वेरी हैवी टू डाइजेस्ट, लाइक बहुत ऑयली है या बहुत घी में बना है, या कुछ प्रकार की दालें होती हैं जैसे कि उड़द की दाल है या मसूर की दाल है या राजमा है या छोले हैं. सो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी दीज पल्सेस आर अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड इनको खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है. सो इस तरह के कॉन्टेंट्स को आप अपने खाने में अवॉइड करें. सो ये तो हमने बात की कि आपको अपने खाने में क्या क्या सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन जब आप खा रहे हैं तो अनदर क्वेश्चन जो हमेशा एक मदर के माइंड में रहता है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, हाउ टू शेड ऑफ द एक्स्ट्रा किलोज. सो प्रेगनेंसी में ऑन एन एवरेज एक लेडी कोई 10 से 11 किलो वज़न गेन कर लेती है. कुछ लेडीज़ में ये वज़न जो गेन होता है कम होता है 6-7 किलो, लेकिन कुछ में ये काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है 15 से 20 किलो. एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू शेड ऑफ द एक्स्ट्रा वेट आफ्टर डिलीवरी, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है. सो वेट लॉस के लिए हमेशा दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला तो है डाइट, आप क्या ले रहे हैं, और दूसरा एक्सरसाइज. सो डाइट में ज़रूरी है क्योंकि आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराना है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड प्रोटीन्स. ज़रूरी है कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं. इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज़ नॉट द टाइम जब हम आपको ये कहेंगे कि यू शुड गो ऑन अ डाइटिंग इन ऑर्डर टू लूज़ वेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैलोरीज़ का इनटेक मेंटेन रखें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप इंटेंशनली अवॉइड कर सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा, रिफाइंड शुगर्स, या फिर बहुत फैटी चीज़ें, पूरियाँ हैं, परांठे हैं, इन सब चीज़ों का सेवन आप अपने डाइट में कम रखिए. और हेल्दी खाना जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, चपाती, उन सब चीज़ों का सेवन करते रहिए. साथ ही साथ एक्सरसाइजिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लूज़ वेट. लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि आफ्टर डिलीवरी व्हेन कैन आई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, मैं कब से एक्सरसाइज शुरू कर सकती हूँ. सो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वन कैन स्टार्ट डूइंग जेंटल एक्सरसाइजेस ऑफ द पेल्विक मसल्स. जो मसल्स हमारे बॉटम के जो मसल्स होते हैं, जो डिलीवरी के वक्त सबसे ज़्यादा काम करते हैं और वीक हो जाते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, उनका एक्सरसाइज जिसको हम कीगल्स एक्सरसाइज भी कहते हैं या पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो आप डिलीवरी के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं. कीगल्स एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस कैसे की जाती हैं ये जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे. इन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा ये होता है कि जो बॉटम के मसल्स होते हैं उनकी टोन वापस आ जाती है. और अक्सर लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है. जब भी वो एक्सरसाइज करती हैं या खांसती हैं या छींकती हैं तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन खुद ब खुद लीक हो जाता है, जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. सो अपने पेल्विस की मसल्स की एक्सरसाइज करने से आप ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम को डेवलप होने से भी प्रिवेंट करेंगी. सो ये एक्सरसाइजेस लेटे लेटे आप इमिजिएटली आफ्टर डिलीवरी शुरू कर सकती हैं. लेकिन बाकी एक्सरसाइजेस
को शुरू करने के लिए वन शुड वेट फॉर 6 वीक्स। जैसा हमने शुरू में वीडियो के बताया था कि बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे टेक अबाउट 6 वीक्स टू रिवर्ट बैक टू नॉर्मल स्टेट, और बॉडी के हीलिंग को भी 6 वीक्स का वक्त चाहिए होता है। तो जनरली द एडवाइज इज़ नॉट टू डू एनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज इन द फर्स्ट 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। 2 वीक्स के बाद डिलीवरी के आप जेंटल एक्सरसाइजेज लाइक वॉक शुरू कर सकते हैं। स्लोली स्टार्ट करें, जैसे दिन में शुरू में केवल 10 से 15 मिनट का वॉक करें, और जैसे जैसे आपको लगता है दैट यू आर गेनिंग योर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, आप इसका ड्यूरेशन धीरे धीरे इंक्रीज करके 30 मिनट्स अ डे पे ले जा सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज लाइक योगाज, आसनाज, साइकिलिंग एंड स्विमिंग या लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज, ये सब आप 6 वीक्स के बाद शुरू कर सकती हैं। इवन इफ़ यू हैव हैड अ सिजेरियन डिलीवरी, तो भी 6 हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी अबडोमिनल एक्सरसाइजेस, जैसे कि क्रंचेस हैं या पुशअप्स हैं, सो इनको यू कैन सेफली स्टार्ट 2 मंथ्स आफ्टर हैविंग हैड अ सिजेरियन सेक्शन। जो पेट के मसल्स होते हैं उनकी टोन अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस की वजह से चली जाती है, जिसकी वजह से टमी स्लैक करने लगती है, एंड दैट इज़ अ ह्यूज कॉस्मेटिक इशू फॉर दी फीमेल्स। सो डोंट वरी, विद ग्रेजुअल एक्सरसाइजेस एंड टोनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ दी मसल्स ऑफ दी अबडोमेन, धीरे धीरे पेट के मसल्स की टोन भी वापस आ जाती है। लेकिन अगेन हेयर मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि किसी भी हेरोइक एक्टिविटी में आप लोग इंडल्ज ना करें, अपने बॉडी को हील होने का एडिक्वेट समय दें। एक और प्रॉब्लम जो फीमेल्स अक्सर फेस करती हैं आफ्टर डिलीवरी, वो है बैकएक। ऑलमोस्ट हर एक लेडी डिलीवरी के बाद ये कंप्लेन करती है कि उसे बैकएक हो रहा है, तो इट इज़ वेरी कॉमन आफ्टर डिलीवरी। लेकिन इसको रिड्यूस करने के लिए देर आर सर्टन थिंग्स जो आप कर सकती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पॉस्चर को ठीक रखना। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, एंड ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स इन द डे, विच मीन्स आप 8-10 घंटे के लिए स्लीप डिप्राइव होके बैठ के बच्चे को केवल फीड कराते जा रहे हैं। दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ बैकएक। तो ज़रूरी है कि फीडिंग के वक्त आपका पॉस्चर बहुत अच्छा हो। बच्चे के ऊपर झुकने के बजाय आप अपने गोदी में ब्रेस्ट फीडिंग पिलो रखें या नॉर्मल पिलो भी रखें, और बच्चे को पिलो के ऊपर रखें, सो दैट बच्चे की हाइट इंक्रीज हो जाए एंड द चाइल्ड रीचेज योर ब्रेस्ट, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत ज़्यादा झुक के बच्चे को रीच करने की कोशिश कर रही हैं। और अपनी बैक को स्ट्रेट और सपोर्टेड रखें, जैसे कि एक बैक रेस्ट लगाएं या चेयर या काउच पे बैठ के बच्चे को फीड कराएं। सो कीपिंग योर बैक स्ट्रेट वाइल फीडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी बच्चे के बहुत से काम होते हैं, जैसे बच्चे को नहलाना, उसके नापीज चेंज करना। मदर्स हैव अ टेंडेंसी कि वो हर एक काम झुक के करती हैं, उसको अवॉइड करें। बच्चे को बिस्तर पे लटा के या काउच पे लटा के आप खुद भी बिस्तर पे बैठें या काउच पे बैठें, और बिना झुके बच्चे के जो भी काम है उनको करें। अदर देन कीपिंग योर पॉस्चर राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट जो आपको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आफ्टर डिलीवरी, उसको ज़रूर लें। एंड कुछ बैक मसल के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज लाइक योगा एंड सर्टन आसनास, दोज ऑल्सो यू कैन डू, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो एक्सरसाइजेज डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद शुरू करें। मसाज करा सकते हैं, मसाज से मसल्स का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, एंड दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड सूदिंग एंड हीलिंग इफेक्ट। सो द मसाज ऑफ द बैक, मसाज ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, दैट कैन बी स्टार्टेड विदिन 2-3 डेज आफ्टर डिलीवरी। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मसाज को बहुत सख्त हाथ से ना किया जाए, जेंटली करें और मिनिमल प्रेशर के साथ करें। आइडिया इज़ जस्ट टू हील द मसल्स ऑफ द बॉडी। सो ऑल बाई डूइंग ऑल दीज द बैकएक कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अनदर प्रॉब्लम दैट सर्टन फीमेल्स कंप्लेन आफ्टर डिलीवरी इज़ अ पेन इन द टेल बोन, जो सबसे निचला हिस्सा होता है
रीढ़ की हड्डी का, उसको टेल बोन कहा जाता है, जो बिल्कुल दोनों बटक्स के या हिप्स के बीच का पोर्शन होता है। सो उसका पेन कई बार जाने में समय लगा सकता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम जो आप कर सकती हैं वो ये कर सकती हैं कि आप डायरेक्टली किसी चेयर पे या सोफ़े पे ना बैठ के एक कुशन्ड ट्यूब ले लें, जैसे कि स्विमिंग के ट्यूब्स होते हैं, इस तरह का कोई ट्यूब, उसमें हवा भर के उसको सरफेस पे रखें और उस ट्यूब के ऊपर बैठें। ऐसा करने से जो आपकी टेल बोन है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा एंड धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पेन रिड्यूस हो जाएगा। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं दे शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द लेडी हु हैज़ जस्ट डिलीवर्ड, टेकिंग एक्स्ट्रा केयर ऑफ हर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके कई सारे सवाल जो मन में उठते हैं रिगार्डिंग केयर आफ्टर डिलीवरी, उन सब सवालों के आपको आंसर्स मिल पाए होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस डू स्टे कनेक्टेड। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1MG ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।